बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज रिव्यू करते हैं कैपको को। कोर्ट अद्दू पावर कंपनी लिमिटेड पावर सेक्टर की कंपनी है। इसका देखते हैं कि लास्ट टेन ईयर का जो पे आउट की परफॉर्मेंस है वो कैसी रही है और प्राइस जो है वो इस वक्त कहाँ पे मूव हो रही है। चलिए शुरू करते हैं कैपको। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू। कोट अद्दू पावर कंपनी लिमिटेड जो है वो पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में फॉल करती है। इस सेक्टर में तकरीबन कोई 18-19 कंपनियां हैं और अपने सेक्टर की ये तीसरी बड़ी कंपनी है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हवाले से। के इलेक्ट्रिक हब पावर कंपनी लिमिटेड के बाद जो है वो इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज़्यादा है। करंटली जो है वो प्राइस ये ट्रेड हो रही है 30.55 रुपये पे। इसकी करंट लास्ट क्लोजिंग आई है। सिक्स मंथ्स की अगर रिटर्न की बात करें तो अब तक ये 41% का रिटर्न दे चुकी है। ईयरली जो है वो 8.76% बनते हैं। करंट 12 मंथ की जो इसकी अर्निंग है ईपीएस है वो 23.31 रुपये की है और पी रेशो के लिहाज से भी ये सबसे कम पे है 1.31 रुपये। निशात चुनिया की भी 1.31 रुपये की पी रेशो है और उसके बाद ये कोट अद्दू पावर कंपनी लिमिटेड है जिसकी इसकी लोएस्ट पी रेशो है। इस सेक्टर की अगर पी देखें तो ओवरऑल पी जो है वो सेक्टर की 4.43 है। तो अपने सेक्टर के लिहाज से भी ये कोट अद्दू और निशात चुनिया जो है वो सबसे नीचे जो है वो पी रेशो पे ट्रेड हो रहे हैं। इसकी अगर लास्ट 5 ईयर की ईपीएस की देखें तो करंट जो लास्ट 12 मंथ की ईपीएस बन रही है इसकी वो 23.31 रुपये की बन रही है। 2019 में इसने 14.19 रुपये की अर्निंग दी है, 2018 में 12.06 रुपये की, 2017 में 10.73 रुपये, 2016 में 10.31 रुपये, 2015 में जो है वो 11, 2014 में 8 और 2013 में भी इसने 8 रुपये की अर्निंग दी है। तो अर्निंग जो है वो जो है इसकी इंक्रीजिंग ट्रेंड में ही है। पिछले साल के मुकाबले में इस साल जो है वो अर्निंग ज़्यादा आई है। चलिए लास्ट 10 ईयर की इसकी पे आउट की हिस्ट्री देखते हैं कि पे आउट जो है वो इसने लास्ट 10 ईयर में कितना दिया है। तो 2010 में जो है वो इसने 50% का डिविडेंड दिया है, 5 रुपये पर शेयर। तो अगर 1000 शेयर्स हो तो 5000 अमाउंट बनती है। 2011 में भी इसने 65% का डिविडेंड दिया है, 6.50 रुपये का डिविडेंड आया है, 6500 रुपये इसके जो है वो डिविडेंड के बनते हैं। 2012 में भी 69% का डिविडेंड दिया है, 6.90 रुपये का डिविडेंड पर शेयर आया है। तो 1000 शेयर्स के हिसाब से 6900 बनते हैं। 2013 में जो है वो डिविडेंड आया है वो 75% का, यानी कि 7.50 रुपये का पर शेयर का डिविडेंड था, 7500 रुपये जो है वो 1000 शेयर्स के बनते हैं। 2014 में भी 65% का डिविडेंड आया, 6.50 रुपये पर शेयर का डिविडेंड था, 6500 जो है वो एज आ डिविडेंड अमाउंट बनती है। 2015 जो है वो 87.5% का इसने डिविडेंड अनाउंस किया है, 8.75 रुपये पर शेयर का डिविडेंड आया। तो 1000 के हिसाब से 8750 रुपये इसके बनते हैं। 2016 में 90% का डिविडेंड दिया है, 9 रुपये पर शेयर का डिविडेंड आया, 1000 के हिसाब से 9000 जो है वो इसकी डिविडेंड अमाउंट बनती है। 2017 में भी 90.5 का जो है वो परसेंट का डिविडेंड आया, 9.05 रुपये का डिविडेंड था, तकरीबन 9050 जो है वो इसके भी 2017 में डिविडेंड बनते हैं। 2018 में इसने 91.50 रुपये का डिविडेंड दिया, यानी कि 9.15 रुपये का जो है इसका डिविडेंड आया पर शेयर के हिसाब से। तो 1000 शेयर्स के हिसाब से 9150 रुपये का जो है वो इसके बनते हैं डिविडेंड के। 2019 में 45% का डिविडेंड दिया, 4.50 रुपये पर शेयर, तो 4500 रुपये जो है वो 1000 शेयर्स के बनते हैं। 2020 अभी कंटिन्यूस है इसकी, तकरीबन 3-4 दिनों में इसकी बोर्ड मीटिंग आने वाली है, आई थिंक 17 सितंबर को। तो उससे पहले ये एक डिविडेंड दे चुका है 15% का, 1.5 रुपये पर शेयर जो है वो डिविडेंड दिया है। तो अभी फुल ईयर की मीटिंग नज़दीक है तो उसमें भी पॉसिबिलिटी है कि ये 20-30% का जो है वो डिविडेंड अनाउंस कर दे। तो 2020 में अभी तक इसने 15% यानी कि 1.5 रुपये पर शेयर का डिविडेंड दिया है। तो बोनस जो है वो इसने अभी तक लास्ट 10 ईयर में कुछ नहीं दिया, ये सिर्फ जो है वो डिविडेंड देती है और कंटिन्यूसली जो है वो इसने डिविडेंड दिया है पिछले 10 सालों में। तो ओवरऑल इसने जो अब तक 10 सालों में डिविडेंड दिया है वो 74,350 रुपये का टोटल जो है वो डिविडेंड दिया है। सबसे जो ज़्यादा डिविडेंड आया था
वो 2018 में आया था, 91% का डिविडेंड था, यानी कि 9 रुपीज पर शेयर जो है वो उसने 2018 में दिया था। और जो सबसे लोएस्ट डिविडेंड है वो 2019 में दिया था, लास्ट ईयर दिया था इसने 45%, यानी कि 4.50 रुपये इसने 2019 में सबसे कम दिए। तो 2010 में अगर इसकी प्राइस देखें तो ये 46 के अराउंड थी, तो 46,000 इन्वेस्टमेंट पे जो है वो ऑलरेडी डिविडेंड की मद में ये 74,000-75,000 तक दे चुकी है। करंटली इसकी वैल्यू जो है वो 30 रुपये चल रही है, तो यानी कि अभी जो 30,000 जो है वो इसकी करंट वैल्यू बनती है अगर 1,000 शेयर्स के हिसाब से। तो इसकी प्राइस देखते हैं कि प्राइस जो है वो इस वक्त कहाँ पर खड़ी है और इसकी मूवमेंट जो है वो कैसी हुई है। तो 2009 में जो है वो प्राइस तकरीबन इसी लेवल पे थी, 33-35 के लेवल पे थी, और यहाँ से जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो एक अप ट्रेंड में प्राइस ने मूव की है। जो लोज थे वो हायर लोज और हायर हाई की एक फॉर्मेशन जो है वो बनाई है अप टिल 2015 तक। 2015 तक जो है वो ये कम्प्लीटली अप ट्रेंड में रहा है, उसके बाद जो है वो इसने अपना जो हाई लगाया है वो तकरीबन सितंबर 15 में लगाया है इसका, 99 रुपीज़ का इसने हाई लगाया है। तो 30-32 रुपए से 99 जो है वो इसका जो सफ़र है वो तकरीबन इसने जो है वो कुछ 6-7 सालों में तय किया है। 2015 के बाद इसका जो है वो अप ट्रेंड ख़त्म हुआ है और ये डाउन ट्रेंड में आई है। अगर इसकी हम ट्रेंड लाइन एक लगाएं तो ये एक जो अप ट्रेंड की एक लाइन है, ट्रेंड लाइन, उसको इसने नवंबर 15 में जो है वो ब्रेक किया है, और उसके बाद जो है वो इस ट्रेंड के लाइन के ऊपर जो है ना वो इसने क्लोजिंग नहीं दी। उसके बाद एक दफ़ा इसने इसको रीटेस्ट किया है लेकिन उसको ब्रेक करने में कामयाब नहीं हुई है, और फिर कंटिन्यूसली जो है वो अपना इसने डाउन ट्रेंड का सफ़र जारी रखा है। अगर इस ट्रेंड लाइन को देखें तो यहाँ पे जो है ये एक ट्रेंड लाइन जो है यहाँ पे पहली बार यहाँ पे टेस्ट हुई 16 जुलाई में इसको टेस्ट किया, लेकिन इसके ऊपर जो है वो अगर इसको मज़ीद ऊपर जाना था तो इस ट्रेंड को ये ब्रेक करती और उसके बाद जो है अपना ये वाला जो हाई है 99 का उसको क्रॉस करके ये बना सकती थी, लेकिन यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन जो है वो ब्रेक नहीं हुई और प्राइस ने यहाँ से रिजेक्शन ली है। दूसरी बार जो है वो फिर जनवरी 2017 में इसने ट्राई की है इसको ब्रेक करने की, लेकिन वहाँ भी इसको कामयाबी नहीं मिली और मज़ीद जो है वो प्राइस नीचे गई है। 2017 अक्टूबर 2017 में लास्ट अटेम्प्ट की है इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने की, जो कि फिर नाकाम हुई है और प्राइस ने जो है वो डायरेक्टली जो अपना लो बनाया है अपना ऑल टाइम का, वो तकरीबन कोई 14-15 रुपये का इसने लो बनाया है। अब लास्ट जो है वो 4-5 महीनों से ये अप ट्रेंड में दोबारा आना शुरू हुई है, क्योंकि जो इसके लोज़ हैं वो पहले वाले लो के मुकाबले में बड़े हैं, यानी कि हायर लोज़ की तरफ फॉर्मेशन बननी स्टार्ट हो गई है। जो फॉर्मेशन यहाँ पे थी 2009 में वही फॉर्मेशन यहाँ पे बनना शुरू हुई है। पहला जो लो लगा है वो 14 का है, तो दूसरा जो लो है वो 20 का है, यानी कि दूसरा वाला लो जो है वो पहले वाले लो से हाई है, और इस तरह हायर हाई भी बन रही है। तो इंडेक्स के तो इसके पास इसको जो अपनी रेजिस्टेंस लाइंस होंगी वो ये 35 से 36 का जो रीजन है ये उसके लिए लॉन्ग टर्म में एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। उसके बाद अगर इसको ब्रेक करती है तो ये 44-45 का रीजन है, फिर उसके बाद जो है ये 54 का रीजन है, और फिर 64-65 का रीजन है। तो यहाँ पे इसको जो है वो टफ टाइम मिल सकता है। ये ट्रेंड लाइन जो 3 दफ़ा टेस्ट हो चुकी है, अभी 4थी दफ़ा ये 36 से 40 के रीजन में ही दोबारा ये टेस्ट होगी। अगर इसको ब्रेक करती है तो ये लॉन्ग टर्म पे भी जो है इसका व्यू बहुत बुलिश हो जाएगा। वॉल्यूम्स पे अगर देखें तो वॉल्यूम्स भी जो है वो लास्ट कुछ 3 मंथ से इसमें वॉल्यूम्स भी बढ़ते जा रहे हैं, तो ये भी एक अच्छा इंडिकेशन है। तो इसके जो पावर एग्रीमेंट के हवाले से जो अनसर्टेनिटी थी वो भी मेरा ख्याल है कि कुछ मंथ्स में क्लियर हो जाएगी।